नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलडी टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले भारत के उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर और पुरी में घूमने की टॉप 20 जगहों के बारे में, जहां पर आप सभी घूम सकते हैं, घूमने का भरपूर मजा ले सकते हैं। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं भुवनेश्वर और पुरी में घूमने की टॉप 20 जगहों के बारे में। नंबर 20, एकमरा कानन बॉटनिकल गार्डन। लगभग 512 स्क्वायर एशिया में फैला हुआ यह गार्डन भुवनेश्वर शहर की चहल पहल से काफी दूर है और इस गार्डन में आपको बहुत सारे खूबसूरत किस्मों के फूल पौधों को देखने का मौका मिलता है, जिसे देखने और फोटोग्राफी करने के लिए पर्यटक यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। नंबर 19, सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम। उड़ीसा में स्थित यह म्यूजियम प्रसिद्ध मूर्तिकार सुदर्शन साहू द्वारा स्थापित किया गया है, जो पत्थर और लकड़ी पर निर्मित शीशे दर्ज के चित्र का एक शानदार संग्रह है, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं और कला परखी लोगों के लिए यह म्यूजियम बहुत ही लोकप्रिय जगह है। नंबर 18, सिद्ध महावीर टेम्पल। गुंडीचा मंदिर के उत्तर पूर्व में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है, जिनके दर्शन करने के लिए लोग यहां पर आते हैं। और रामचरितमानस के प्रसिद्ध लेखक तुलसीदास जी ने पुरी का रास्ता पूरा करने के बाद यहां पर कुछ समय के लिए रुके थे। नंबर 17, नरेंद्र पोखरी। नरेंद्र पोखरी को चंदन तालाब के नाम से भी जाना जाता है और अक्षय तृतीया के बाद यहां पर 21 दिवसीय चंदन यात्रा होती है और रथ यात्रा के बाद यहां पर भगवान जगन्नाथ जी स्वयं माता लक्ष्मी जी के साथ नौका विहार करने आते हैं और साथ ही साथ यहां 21 दिवसीय चंदन यात्रा को देखने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर बहुत ही अधिक संख्या में इकट्ठा होते हैं। नंबर 16, स्टेट ट्राइबल म्यूजियम। 1938 में स्थापित यह म्यूजियम भुवनेश्वर का एक लोकप्रिय आकर्षण केंद्र माना जाता है, क्योंकि इस संग्रहालय की 10 शाखाएं हैं, जिनमें हस्तशिल्प, हथियार, उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण और प्राकृतिक इतिहास आदि जैसे विभिन्न पुरावशेष शामिल हैं। और इस म्यूजियम में जाकर के आप उड़ीसा और भुवनेश्वर के इतिहास के कई राजवंशों के बारे में जान सकते हैं। नंबर 15, बेड़ी हनुमान जी टेम्पल। हनुमान जी को समर्पित यह मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी में चक्र तीर्थ मार्ग पर स्थित समुद्र तट के पास एक छोटा सा मंदिर है, जिसे दरिया महावीर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं के दर्शन करने के लिए पर्यटक यहां पर दूर दूर से आते हैं। नंबर 14, इस्कॉन टेम्पल। भुवनेश्वर में स्थित इस्कॉन टेम्पल कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ही अधिक महत्व रखता है और यहाँ पर हमेशा भगवद गीता का पाठ चलता रहता है, जिसको सुनने और भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पर हर रोज आते हैं। नंबर 13, राजा रानी टेम्पल। 11वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर भुवनेश्वर के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक। इस मंदिर को स्थानीय रूप से प्रेम मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें महिलाओं और जोड़ों की कुछ भाव नकाशी देखने को मिलती है और यह मंदिर वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है, जिससे कि यहां पर प्रवेश करने के लिए टिकट खरीदने की आवश्यकता होती है। नंबर 12, बिजू पटनायक पार्क। प्रकृति के बीच हरियाली और सुव्यवस्थित पौधों से भरा हुआ यह पार्क बेहद ही खूबसूरत पार्क है, जहां पर आप शांति और आराम से कुछ पल बड़े ही आराम से बिता सकते हैं। और खासकर यह पार्क स्थानीय रूप से वन पार्क के रूप में लोकप्रिय है, जिसे पर्यटक पिकनिक और सुबह शाम की सैर के लिए ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 11, श्री गौर विहार आश्रम। गुप्त वृंदावन के नाम से लोकप्रिय यह आश्रम समुद्र तट से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। यह आश्रम भूमि के एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां पर कई देवताओं और पौराणिक पात्रों की संरचनाएं भी मौजूद हैं, जिन्हें आप सभी देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस मठ का मुख्य मंदिर लगभग 150 साल पुराना भी है। नंबर 10, धौलीगिरी। मरसी नदी के तट पर स्थित यह पहाड़ी वह जगह है, जहाँ पर महान सम्राट अशोक ने लोगों को शांति का पाठ पढ़ाया था। और इसी जगह पर एक बहुत ही बड़ी शांति स्तूप भी मौजूद है, जिसको देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ का शिलालेख बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसके ऊपर शांति का पाठ और विश्व को शांति की तरफ अग्रसर करने की एक राह दिखाई देती है। नंबर 9, चिल्का लेक। उड़ीसा के सबसे खास पर्यटन स्थलों में से एक इस लेक पर पर्यटक छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं और साथ ही साथ यह लेक एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसकी लंबाई लगभग 70 किलोमीटर और चौड़ाई 15 किलोमीटर है, जहां पर आप सभी घूमने का भरपूर मजा ले सकते हैं। नंबर 8, उदयगिरी और खंडगिरी गुफा। उड़ीसा राज्य में स्थित भुवनेश्वर के प्रमुख स्थलों में से एक यह गुफाएं 2 शताब्दी पूर्व की मानी जाती हैं, जिससे कि यहां पर आपको सुंदर नकाशीदार शिलालेख और आकृतियों के साथ साथ काफी दर्शनीय जगह भी देखने को मिलती हैं। इसलिए अगर आप भुवनेश्वर जा रहे हैं तो इन गुफाओं को जरूर घूमें।
नंबर 7 मुक्तेश्वर टेंपल। भुवनेश्वर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है और मुक्तेश्वर मंदिर देवला के नाम से प्रसिद्ध अपनी वास्तुकला शैली की दीर्घ आयु का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। और इस मंदिर में पंचतंत्र भगवान शिव जी के साथ साथ ब्रह्मा, विष्णु, हनुमान जी, माता पार्वती और नंदी जी भी विराजमान है। नंबर 6 लोकनाथ टेंपल। भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित यह मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव जी को समर्पित है और जगन्नाथ जी के टेंपल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहां पर विराजमान शिवलिंग हमेशा पानी के नीचे रहता है, जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि देवी गंगा शिवलिंग के ऊपर से होकर के एक धारा के रूप में बहती है। नंबर 5 साक्षी गोपाल टेंपल। पुरी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर बेहद ही खास मंदिर है जिनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहां पर दूर दूर से आते हैं और ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद साक्षी गोपाल जी के दर्शन जरूर करना चाहिए क्योंकि इनके दर्शन के बिना जगन्नाथ जी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। नंबर 4 कोणार्क टेंपल। उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर श्रद्धालु भगवान सूर्य देव के दर्शन करने के लिए बड़े ही दूर दूर से आते हैं और इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में उड़ीसा राज्य के राजा नरसिंह देव जी ने करवाया था जिनकी कल्पना भगवान सूर्य के रथ के रूप में की गई है। नंबर 3 लिंगराज टेंपल। भगवान शिव जी को समर्पित यह मंदिर भुवनेश्वर के सबसे प्राचीन और लोकप्रिय मंदिरों में से एक है और यहां पर भगवान शिव जी को उनके हरिहर रूप में पूजा जाता है और 11वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर की कलिंग शैली स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है जिसे 7वीं शताब्दी में राजा जजाति केशरी द्वारा बनवाया गया था और साथ ही साथ यह मंदिर अपने महाशिवरात्रि समारोह के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नंबर 2 गुंडीचा टेंपल। गुंडीचा टेंपल को भगवान जगन्नाथ जी के मौसी का घर माना जाता है और यह मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी दूरी पर बना हुआ बहुत ही प्राचीन मंदिर है जहां से भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा समाप्त होती है और रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 7 दिनों तक इस मंदिर में रहते हैं। इसकी वजह से इस मंदिर का धार्मिक महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। नंबर 1 जगन्नाथ टेंपल। भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक इस धाम को पुराणों में धरती का वैकुंठ कहा जाता है और इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है और जगन्नाथ पुरी को श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र और नीलांचल और नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा राज्य के समुद्री तट के नजदीक बसा इस मंदिर में हर वर्ष बहुत ही भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है जिसमें लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।